गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर SST टीचर। तो आज हम वेटा स्विस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। पहले ही हम चार चैप्टर कर चुके हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम स्विस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है, ये यूनिट में डिवाइड है, यूनिट वन का इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें जो इक्वालिटी की बात की गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ पास हुआ है जिसके अकॉर्डिंग किसी के साथ भी जाति लिंग के आधार पे, इसे आर्टिकल 15 बोलते हैं। आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग सभी इक्वल हैं, किसी के साथ उसके रंग की वजह से, उसके जात की वजह से, उसके धर्म की वजह से, उसकी नस्ल की वजह से उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है ना। इसे राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15। तो हम पढ़ते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन है ना। कैसे दिखाई दे रहे हैं, मनजीत कौर टीचर, तेजा सिंह, गिरीश राव, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर, सुजाता कुमार डोमेस्टिक वर्कर। तो इनकी आपस में कन्वर्सेशन दिखाई गई है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी ऑन इक्वालिटी, हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ऑन इक्वालिटी इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। इन द क्लास 6 बुक वी लुक एट द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। तो हम 6 क्लास में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ के आए हैं। दिस इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, रिसोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी इज़ की ऑफ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्यूजेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शन। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द इक्वालिटी। तो इसमें हम इक्वालिटी के बारे में है ना, समानता के बारे में पढ़ेंगे। ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। यहाँ पे कांता और उसकी फ्रेंड है सुजाता, वो वोट डालने के लिए अपना देख रही है ना, लाइन में खड़ी है। इज इट गुड सुजाता दैट वी कॉल ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ अवर कंट्री। इवन जैन साहिब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। यस, कहते भी ये अच्छा है ना, भी सभी को वोट का अधिकार दिया गया है। जैन साहिब हैं जो भी, वो भी हमारे साथ खड़े हैं है ना। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न। जाओ कहते कांता, आपकी बारी है। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू अवर एरिया। कहती मैं उसनों वोट देनी है जिन्हें कहा भी थोड़ी सोसाइटी च पानी आजूगा। तो ये सभी खड़े हैं है ना। तो ये दोबारा आफ्टरवर्ड, वी विल सी यू लेटर कांता। हम कहते थोड़ी देर बाद। यस नमस्ते साहिब, ओनू नमस्ते बुला रही है। गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फेवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। तो कहती मैंने भी, गुड़िया मेरी बीमार है, मैं पहला साहिब दे घर काम करना, पर मैं उन्होंने तो कुछ एडवांस भी लेना, फिर दवाई लैन जाना है ना। एट होम हर हैव सम ऑफ दिस यू फील बेटर एंड वैन आई गैट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू हॉस्पिटल। ओके, फिर वो घर आ जाती है अपनी बेटी ने, कहती है तो कोई दवाई दे के कहती है भी तुम आ लो, तो शाम में जो मैं आ गई घर वापिस है ना, तो भी फिर आप हॉस्पिटल चला गए है ना। इट्स ओके, नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ओफन, द बस्ती इज नेवर क्लीनड है ना। एंड नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज नैवर क्लीन है ना। भी वो कहते भी बस्ती गंदी है ता करके है ना गुड़िया बने। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर प्रॉपरली, वो घर वाली जो कम कर दी, कहते भी जोड़े कॉर्नर चंगी तरह साफ करो। तो हेयरज योर एडवांस कांता, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। नो मैडम, वो कहते एडवांस तो उन्होंने दे दें, पर कहते हूँ यदि आदत ना पाई भी तेन हमेशा ही एडवांस चाहिए। ठीक है, फिर हम आप रीड कर दे। इक्वल राइट टू वोट है ना। द स्टोरी अबाउट द बीइंग कांता स्टैंडिंग इन द लाइन टू कास्ट देयर वोट, लुकिंग अगेन द वायरस पीपल हु स्टैंडिंग इन द लाइन विद हर। कांता रिकगनाइज हर इंप्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेबर्स है ना। इन द डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल अडल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ वट रिलीजन दे बिलोंग टू, हाउ मच द एजुकेटेड दे हैव हैड
द कास्ट दे आर और वेदर दे आर रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट। इसके ये समझ आता है कि है ना, किसी को भी कास्ट के आधार पर वोट नहीं दी जाती, उसका मालिक भी उसी लाइन में खड़ा है, वो भी उसी लाइन में खड़ी है और अपनी वोट देने के लिए आए हैं। इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजर, सार्वजनिक बालक मताधिकार बोला जाता है जो सभी को दिया जाता है। ये आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग आता है मेरे ख्याल से। बट एज हर डेज गोज ऑन कांता बिकम लेस सर्टन अबाउट द इक्वालिटी ऑफ रियली मीन्स वट इज द मेक कांता अनश्योर लेट टेक टू डे ऑन हर लाइफ शी लिव इन स्लम हैज अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, है ना। तो वो यहाँ रहती है, वहाँ पे गंदा पानी है, हर डॉटर इज सिक बट ही कांट टू टेक डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉय टू टेक हर चिल्ड्रन टू डॉक्टर, है ना। उसकी बेटी बीमार है लेकिन वो है ना एक भी दिन छुट्टी नहीं लेती, पता है उसे पैसे कहाँ से मिलेंगे, है ना, अगर काम नहीं करेगी। हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्पर टाइ एंड फाइनली ही एंड्स अ डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। दिस लाइन इन द फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अनलाइक वन ऑफ द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर, है ना। तो ये लाइन बहुत लंबी थी, दवाई लेने चले गए, लाइन बहुत लंबी थी। जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, जैन मैडम एंड जैन साहिब माई स्टैंड इन अ लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट वैन देयर चिल्ड्रन सिक। कहती जैन मैडम तो वो जो भी उन्होंने जिन्होंने घर काम कर दिया, वो कहती भी इतने वोट की लाइन से तो खड़े ने, पर कहते उन्होंने कदम भी हॉस्पिटल की लाइन से खड़न की जरूरत नहीं पड़ेगी। डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीजन टू डाउट वट आर द रियली इक्वल्स। कांता से जी फ्रेंड इक्वलिटी से शक करती से ना, भी इक्वलिटी बस कहने को हूँ है कुछ भी नहीं, है ना। अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी, कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल्स हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट बट दोज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फॉर इक्वल। अ पार्टी से है ना भी ये पता चलता है कि इक्वालिटी कहने के नाम पे गरीब है जो बहुत गरीब है, उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, है ना। वोट का अधिकार तो जरूर सबको है लेकिन बाकी फैसिलिटी सबको नहीं प्रोवाइड होती, है ना। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनक्वालिटी इन इंडिया कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम ये है कि है ना बहुत पीक पे हमारे यहाँ। इफ लाइव इन रूरल इंडिया योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू आर प्रॉबली लर्न टू एक्सपीरियंस वेरी यंग। इफ यू लाइव इन अर्बन इंडिया सम ऑफ द यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन द कास्ट। अगर हम छोटे शहरों में, छोटे नहीं हम विलेज है ना रूरल एरिया में रहते तो वहाँ कास्ट की ज़्यादा वैल्यू है, जब हम अर्बन एरिया में रहते तो यहाँ कोई कास्ट में बिलीव नहीं करते क्योंकि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं। हमने एक चैप्टर पढ़ा था लास्ट ईयर दलित वाला, है ना। नाउ लेट अस द रीड द स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द दलित इन क्लास, है ना। दलित वाला हमने पहले लेसन पढ़ा था 6th क्लास में, भीमराव अम्बेडकर वाला, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज द फेमस दलित राइटर, है ना। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन जूठन ही राइट्स आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्टॉप आई सेट। तो समटाइम आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड द एवरी बॉडी राइट नियर द डोर, समटाइम दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन। वैन ही वॉज इन क्लास 4 द हेड मास्टर आस्क ओम प्रकाश स्वीप द स्कूल एंड प्ले ग्राउंड। ही राइट द प्ले ग्राउंड सॉरी ही राइट्स द प्ले ग्राउंड वॉज वे द लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक कुड नॉट हैंडल एंड क्लीन इट। माई बैक बिगन टू एच, माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, डस्ट हैड गोन इन साइड माई माउथ, देयर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्पीकिंग। तो ये जो नाथन है, जो नाथन, तो ये बुक है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो इसमें बोला गया है कि है ना वो उसे नीचे भी बैठना पड़ता था, उसके बैठने से पहले ही बच्चे है ना मैट खींच लेते थे उसे। तो एक बार 4th क्लास में था तो उसके हेडमास्टर ने बोला स्कूल का ग्राउंड साफ करो और स्कूल को साफ करो। जब सारे बच्चे पढ़ रहे थे तो वो ग्राउंड साफ कर रहा था, तो इतनी डस्ट थी कि उसके मुंह में चली गई।
द हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, वो देख रहा सी है ना, अभी वो मुझे देख रहा था ना। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीने का भी अधिकार ना। आई स्वीप्ड द होल डे फ्रॉम डोर टू एंड विंडो ऑफ द स्कूल, द आईज ऑफ टीचर एंड बॉयज सा दिस स्पेक्टिकल। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड प्ले ग्राउंड फॉर नेक्स्ट कप ऑफ डेज, एंड दिस ओनली कम टू एन एंड वेन हिज फादर हु हैपन टू पासिंग बाय सा हिज सन स्वीपिंग, ही कन्फर्म्ड दैट टीचर एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, ही सेड लाउडली फॉर ऑल देम टू हेयर, यू आर अ टीचर सो आई एम लीविंग नाउ, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर विल स्टडी राइट हेयर इन दिस स्कूल एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम। तो एक बार ये हमें ऐसे ही चलता रहा 2 4 दिन, तो एक बार उसके पिताजी निकल रहे थे स्कूल के पास से, उन्होंने देखा कि उनका बेटा स्कूल साफ कर रहा है, तो हेडमास्टर के पास गए, तो उन्होंने उसके है ना वहाँ से ले गए उसे है ना, उसका हाथ पकड़ा, उसने बोला ये यहाँ नहीं पढ़ रहा, लेकिन इसके बाद यहाँ पे और बहुत आएंगे। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस तो ऐसे ही ये पूरे का पूरा चैप्टर हमें एग्जाम्पल से दे के समझाया गया है, होप आपको समझ आ रहा होगा। रिकॉग्नाइजिंग डिगनिटी है ना, इससे ये डिगनिटी को लेके इक्वालिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी, तो इंडियन डेमोक्रेसी में सबको इक्वालिटी है ना, तो ये हमारा पूरे का पूरा ना क्या है पार्लियामेंट दिखाया गया है ना, जिसमें बहुत सारे लॉज बने हैं, किसको लेके बने हैं कि जो दलित है ना, जो कि गरीब लोग हैं उनको रिजर्वेशन दी जाए है ना, उनको बराबर का अधिकार मिले, ताँ जो अपॉर्चुनिटीज मिले, ताँ जो वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ सके और शिक्षा हासिल कर सके। तो ये पिक आपको बहुत जानते होंगे इसको अच्छे से, 14 अप्रैल को इनका बर्थडे होता है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इन्होंने जो काम किया है वो मतलब कि ये एक तरह के है ना जो दलित लोग हैं उनकी लाइफ को सुधार के गए हैं ना, उन्हें रिजर्वेशन दे के गए हैं, जिसके कारण कि उन्हें अपनी लाइफ में मौके मिले हैं ना, वो प्रॉपर से नहीं कर सकते, कई कई काम है ना ऐसे होते हैं कि वो नहीं। तो जैसे देखो है ना, एक बंदा तो यहाँ पे है ठीक है, तो ये समझ लो ये एससी है, ये शेड्यूल कास्ट है ठीक है, ये शेड्यूल कास्ट है, तो जो जनरल कैटेगरी है वो पहले ऊपर है ना, उनके पास संसाधन है, तो ये है ना ये यहाँ पे है पहले यहाँ पे है, तो ये तो बिल्कुल दबे कुचले लोग हैं ना, तो ये है ना, तो ऐसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको थोड़ा सा अपर कर दिया, कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया रिजर्वेशन देके ठीक है, तो इससे क्या होता है इनकी थोड़ी हेल्प हो गई, तो ये जनरल के बराबर तो अभी भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन इतना तो यहाँ तक गवर्नमेंट ने पहुंचा दिया इन्हें है ना, तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने पहुंचा दिया अपनी रिजर्वेशन दिला के, लेकिन अगर जनरल के बराबर यहाँ तक पहुंचना है तो इन्हें खुद मेहनत करनी होगी ठीक है। इन्हें कुछ परसेंट की छूट मिल गई है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए भी इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो होप आपको ये पूरे का पूरा चैप्टर डेमोक्रेसी को लेके समझ आया होगा, आप चैप्टर से रीड कर लेना, ये देखो पूरे का पूरा आर्टिकल 15 के बारे में बताया गया है ना, तो हम किसी के साथ कोई भी चैलेंज इन डेमोक्रेसी में चैलेंज क्या है वो सब है, आप चैप्टर रीड करोगे तो आपको समझ आएगा। थैंक्स।